झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने आज विधानसभा सत्र के दौरान भाजपा के चार विधायक के निलंबन के मामले को लेकर तीखा प्रहार किया है। वहीं कैश कांड को लेकर भी, जो बंगाल में तीन विधायक कांग्रेस के पकड़ाए हैं, उस पर भी तीखा तंज कसा है। और जिस तरीके से सरकार, हेमंत सरकार पर जो यहाँ झारखंड में कई सारे आरोप लग रहे हैं, अवैध खनन के मामले को लेकर ईडी जांच कर रही है, 100 करोड़ से ऊपर के अवैध खनन को लेकर ईडी जांच कर रही है। बता दें कि साहेबगंज में कहीं जो है, जो विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के जो करीबी हैं, उनसे गिरफ्तारी, पूछताछ लगातार कहीं ना कहीं चल रही है। उन तमाम मुद्दों को लेकर बाबूलाल मरांडी ने क्या कुछ कहा है, यह देखिए। देखिए, वही कह रहे ना, सरकार हड़बड़ी में और विधानसभा अध्यक्ष सरकार के दबाव में काम करती है, तो बिल्कुल स्पष्ट है। वही विधायक तो अपनी मांग को लेकर के सदन में आवाज़ उठाते ही है, और आवाज़ गलत भी नहीं उठा रहे थे। यही नहीं कह रहे थे मुख्यमंत्री इस्तीफा दो भाई, उनके पीए, उनके क्या कहते हैं विधायक प्रतिनिधि, उनके प्रेस सलाहकार, विधायक प्रतिनिधि तो जेल जा चुके हैं ईडी के छापे में, करोड़ों की संपत्ति प्राप्त मिला है, जब्त किया गया है, विधायक प्रतिनिधि को नोटिस दिया गया है, कल उनको हाजिर होना था, कल तो हाजिर नहीं हुए, प्रेस सलाहकार अब शायद उनको समय दिया गया है, समय कब दिया है नहीं पता मुझे। उसे पहले भी देखे ईडी ने छापा मारा था उनके एक सचिव के ठिकानों पर, तो करोड़ों की दौलत मिला, करोड़। विपक्ष की ओर से यह कहा जा रहा है कि बेवजह परेशान, धराया, धमका, किसी तरह से ऑपरेशन लोटस को सफल करने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, एक बात बताइए, कोई भी आदमी समझे, वे तीन विधायक से तो कोई सरकार गिरती नहीं है, और तीन विधायकों के ऊपर कौन केस कर रहा है? उनका नाम नहीं लिया है, आसाम के बाकी मुख्यमंत्री का, आसाम के मुख्यमंत्री ने आज इंडियन एक्सप्रेस में उनका पूरी बयान ही आ गया, और यहाँ तक कि उन लोगों से जब वो मिले थे उसका फोटो भी आ गया ट्विटर में, तो कहीं तो छुपा हुआ नहीं है कि भाई कोई भी लोग किसी से मिलते जुलते हैं, कोई थोड़े पाप है मिलना जुलना। अब उससे ये सरकार इतनी आशंकित है या सशंकित है, अब अपने ही लोगों को अपने लोगों से फंसवा रहा है। बेचारा को कितना, 48 लाख रुपया मिला, तो गाड़ी या साड़ी क्या बोलता है खरीदने के लिए गए थे, और उसके बाद आप देखें कि भाई जिस दिन लोग पकड़ाए होते नहीं, दूसरे दिन यहाँ केस करता है, उस केस के एवज में उन लोगों को फिर अटेंड करता है, तो अपने आप में हास्यास्पद लगता है। यानी हेमंत सोरेन इतनी सशंकित है, और कांग्रेस पार्टी जो अपने ही लोगों के ऊपर कोई भरोसा नहीं, कौन किसी से मिल रहा है तो उनको लगता है कि पता नहीं अब क्या हो जाए। भाई आदमी है, मिलता ही है, उसे कौन सी बातें हैं। तो ये तो स्पष्ट हो गया है, सरकार यानी खुद डरी हुई है, सहमी हुई है। और मैं तो ये कहूँगा, आज जो ईडी ने जिस प्रकार से छापा मारा है, लगातार मारा है, और परत दर परत खुल रहा है भ्रष्टाचार की कहानी, किस्सा, उससे लोगों के माइंड को डाइवर्ट करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है। वो किसी से छुपा हुआ नहीं, अब जनता इस बात को जान चुकी है। भाई आप काम करने के लिए आपने सरकार बनाई, लेकिन आप कमाने में लग गए पूरी तरह से। मैंने देखा कि दाऊ यादव भाग गए, उनको खोजने के लिए ईडी वाले गए, पंकज मिश्रा को तो अंदर कर दिया, तब भी वहाँ इलीगल काम चल रहा है, पत्थर निकाला जा रहा है, पत्थर की ट्रांसपोर्टिंग हो रहा है, इलीगल जहाज वहाँ चलवाई जा रही, ईडी को फिर जब्त करना पड़ा। आपने क्या डीसी के ऊपर कोई कार्रवाई किया? उनकी कोई जिम्मेदारी बनता था कि नहीं बनता था? साहेबगंज के डीसी, साहेबगंज के जो प्रशासन है, तो आप क्या कर रहे हैं साहब? जो लोग ईडी को, या अखबारों में जो मैंने देखा कि ईडी को जो सपोर्ट कर रहा है या बता रहा है गवाह, उनको भी परेशान कर रहा है।
उनके भी गिरफ्तारी, उनको भी तंग करना, तबाह करना, तो भाई कब तक चलेगा ये? बहुत दिन अब चलने वाला नहीं। जिसको बोलते हैं ना, जब दीपक गूंजता है तो उस समय भक भक करता है, तो वही हालत है इन लोगों की। इन लोगों ने पाप किया है तो उस पाप का घड़ा तो फूटेगा ही। पैसा इन लोगों ने लूटा है तो वो पैसा निकलेगा ही, और ईडी उसको ढूंढ निकालेगी, चाहे जहाँ की भी लोग छुपा करके रखेंगे। अभी बंगाल में लोग ढूंढ निकाला ना, पर्स चटर्जी के घर में नहीं था, उसके गर्लफ्रेंड के घर में था पैसा। पैसा तो मिला करोड़ों में, सोना मिला। तो इसलिए अगर ये लोग होशियारी सोच रहा होगा कि पैसा यहाँ से वहाँ भगा देंगे, वहाँ रख देंगे, वहाँ छुपा लेंगे, तो उससे से कुछ होने जाने वाला है नहीं। और उसको मोदी जी ने कहा है कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, तो भाई इस मंत्र को तो समझना चाहिए इन लोगों को। कैसे नहीं बोला है कि वो, ये नारा नहीं है ना, कुछ स्लोगन ये है, ये क्या बोलते हैं, संकल्प है मोदी जी के, देश के प्रधानमंत्री का, कि भाई करप्शन को अगर हमें साफ करना है तो साफ करना है।